हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं कुशीनगर टेंपल में जो है, और बुद्ध टेंपल को हम आपको दिखाएंगे। और इस समय हम गोरखपुर के देखिए रेल म्यूजियम के पास हैं। रेल म्यूजियम से हमारी ये यात्रा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से करीब जो लगभग जो है 50 किलोमीटर के आसपास है कुशीनगर बुद्ध टेंपल। तो दोस्तों, हमारी जो आज की यात्रा है यह गोरखपुर टू कुशीनगर बाई रोड है, और इस रोड से हम कैसे जाएं, कैसे वहां कुशीनगर तक बुद्ध टेंपल तक हम पहुंचें, ये व्यवस्था हमने दी है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि वहां पर ट्रेन की व्यवस्था है कि नहीं, बस की व्यवस्था है कि नहीं, ऑटो की व्यवस्था है कि नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको ले कर चलते हैं बुद्धा टेम्पल। तो यहाँ से गोरखपुर से जो है बुद्धा टेम्पल तक की दूरी लगभग 52 से 54 किलोमीटर है। और वो बुद्धा टेम्पल चलिए या कुशीनगर चलिए, कुशीनगर भी आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कुशीनगर से 1 किलोमीटर पहले आपका बुद्धा टेम्पल पड़ेगा, तो आप यहाँ से जो टिकट लेंगे वो कुशीनगर का मिलेगा। तो अभी देखिए, इस समय हम यहाँ लेफ्ट में, दाएं से आपको जो है देवरिया रोड जाएगा, लेकिन सामने से हमें ठीक सामने कुशीनगर के लिए रोड निकल जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना। और ये देखिए यहाँ अंडर पास, और यहाँ पर हमें अंडर पास के नीचे से होकर के जाएंगे जो ये नंदा नगर में पड़ता है। तो अंडरपास बहुत ही शानदार बनाया गया है। और हम आपको बता दें कि गोरखपुर से जो है आपको ट्रेन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी भाई। गोरखपुर से ट्रेन डायरेक्ट जो है बुद्धा टेंपल के लिए नहीं है, ट्रेन सेवा नहीं है, तो आपको बस ही करना पड़ेगा। तो बस हो या ऑटो हो या निजी अपनी कार हो या दो पहिया बाइक हो, मतलब किसी से भी आपको अपने निजी या सरकारी साधन बस के द्वारा ही आप जा सकते हैं। तो इस समय देखिए, अभी हम कुसमी जंगल में हैं और कुसमी जंगल से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए ये कुसमी चौराहा है, कुसमी चौराहा काफ़ी बड़ा चौराहा है। और दोस्तों, मैं बताऊँ कि ये भगवान बुद्ध की जो स्थल है ये 4 पवित्र स्थानों में से एक है। तो हम आपको पहले तो लुम्बिनी, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर हम आपको दिखा चुका हूँ। और आज हम आपको ये दूसरा जो स्थान है वह है भगवान बुद्ध का कुशीनगर, जहाँ पर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था और वहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अंतिम उपदेश जो है वो 483 ईसा पूर्व, जिसको BC कहते हैं, तो उस समय उन्होंने दिया था। और उस वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में लगभग 6.10 मीटर की प्रतिमा है। हम उस प्रतिमा को आपको दिखाएंगे। और चूंकि यह वीडियो हमारी जो है उसमें 2 से 3 पार्ट में बनेंगे, तो हम आपको ये जो पहला पार्ट है इसमें आपको गोरखपुर से हम कुशीनगर तक ले चलेंगे, उसको हम दिखाएंगे। दूसरे पार्ट में हम आपको भगवान बुद्ध की मंदिर दिखाएंगे, और तीसरे पार्ट में वहाँ पर कुछ प्राइवेट मंदिर जो बहुत ही शानदार बनाए गए हैं, खासकर लोग जाते तो हैं भगवान बुद्ध की मंदिर देख करके और फिर वहाँ से चले आते हैं। तो देखिए, अभी इस समय जगदीशपुर में हम हैं, जगदीशपुर से आगे निकल रहे हैं ओवरब्रिज, तो वहाँ से चले आते हैं। और मेरा ये है कि हम आपको उस मंदिरों को आपको एक्सप्लोर कराएंगे जो बहुत ही शानदार बना हुआ है। तो इस नाते चूँकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो देखिए इस समय हम सोनबरसा बाज़ार में चल रहे हैं ओवर ब्रिज पर। और देखिए, 4 लेन पर दिखाने के लिए होता क्या है, 4 लेन का मतलब है केवल लेन ही चलिए, इस नाते कि 4 लेन तो आपको अगल बगल से कहीं भी अगल बगल होने के लिए जगह नहीं मिलता भाई। तो 4 लेन पर सिर्फ आप केवल चलते रहिए, इसी का नाम 4 लेन। हमारे अनिल भाई भी हैं साथ में, और आज हम लोगों का प्रोग्राम यही है कि हम आपको जो है बुद्ध टेम्पल दिखाएंगे, जहाँ पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। आज हम उस जगह का पूरा एक्सप्लोर करेंगे भाई। रोड पे तो काफ़ी तेज हवा है, और इस तेज हवा जो है बिल्कुल कान को सुन्न कर दे रही है, आवाज़ को भाई सुन्न कर दे रही है। और क्या खूबसूरत शानदार रोड है, और देखिए इस रोड पर केवल आप चलते रहिए। और इस समय हम जो है सुकरौली बाज़ार में हैं, सुकरौली बाज़ार भी काफ़ी बड़ा कस्बा है। तो सुकरौली बाज़ार से हम अब आगे निकल रहे हैं ओवरब्रिज। सरकारी बस का जो आपको टिकट मिलेगा वो गोरखपुर से कुशीनगर का मिलेगा, तो
तो गोरखपुर से कुशीनगर का लगभग 75 रुपये के आसपास है। तो आप जो है गोरखपुर से कुशीनगर का लेकर के आप जाइए, और कुशीनगर से 1 किलोमीटर पहले ही आप बुद्धा टेम्पल पर उतर जाइए। और देखिए इस समय हम हाटा बाज़ार में हैं। हाटा बाज़ार जो है काफ़ी बड़ा बाज़ार है, तो हाटा बाज़ार से आपका रास्ता मिलेगा कई रास्ता जाने के लिए। तो हाटा बाज़ार से आप कप्तानगंज भी जा सकते हैं, देवरिया भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कस्बा और ये जो हमारे ख्याल से ये विधानसभा क्षेत्र भी है हाटा बाज़ार। तो इस समय हाटा बाज़ार से हम आगे निकल रहे हैं, और मैं बता दूँ गोरखपुर से जो है आपको कार से जाना चाहते हैं तो आपको सरकारी कार भी मिल सकते हैं, उसका लगभग आपको 2 से 3 हज़ार रुपये वो किराया लेंगे। ऑटो से भी आप जा सकते हैं, ऑटो भी बुक कर सकते हैं, उसका आपका कम पड़ेगा। और आप अपने निजी साधन से भी आप जा सकते हैं। तो निजी साधन से जाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप गोरखपुर से कुशीनगर के लिए बिल्कुल 4 लेन दबादब चलने वाली है, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है जाने के लिए, बिल्कुल सीधी रूट, कहीं उसमें मुड़ना नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, टोटल गोरखपुर से आपको सीधा रूट ही जाना है। तो आपको अगर जाना है तो गोरखपुर से आसानी से जा सकते हैं और पूरे दिन वहाँ पर घूम करके आ सकते हैं। और मैं आपको एक और बता दूं कि आपको मैं वहाँ के जो होटल हैं उन होटलों का नंबर और उनका जो बोर्ड है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर जो आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर रुकना चाहते हैं, होटल लेना चाहते हैं, तो हम उसको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए उससे पहले हम इस समय देखिए ये रूट्स पे बाएं साइड में हम लेन में हो जाएंगे, क्योंकि जो इधर से जाने में बुद्धा टेम्पल वो दाहिने साइड में राइट साइड में है, और देखिए वो राइट साइड में, और चूँकि हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट में हम बिल्कुल किनारे हो जाएंगे। यहाँ 4 लेन छोड़ देना हमें और 4 लेन के नीचे आ जाना है, और नीचे से आगे बढ़ कर के यहाँ पर देखिए यू टर्न है, आगे बढ़ कर के यहाँ पर यू टर्न लीजिए और यू टर्न से फिर आ जाइए आप जो है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो राइट साइड में हम फिर रिटर्न होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से देखिए ये लेफ्ट में ही आपको गेट मिलेगा, ये बुद्धा टेम्पल गेट है, इस गेट से अंदर होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में मैंने बताया कि आपको हम सारे होटलों के नंबर जो है फ्लैश करेंगे, तो आप उस नंबर को आप देख करके अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम आपको जो है गोरखपुर से जो है कुशीनगर लेकर के आए हैं, और देखिए कुशीनगर का अभी ये मंदिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो और इस मंदिर के आपके यहाँ दिखाइए अगल बगल जो है, देखिए ये गेस्ट हाउस है, तो आप गेस्ट हाउस जो है आप यहाँ पर देख करके ले सकते हैं किराए पर। और मैं ये गेस्ट हाउस का जो है यहाँ नंबर भी जो आपका लगाया गया है मैं नंबर भी आपको दिखा दूंगा, तो नंबर ध्यान से देख लीजिए, और आपको अगर जो बुकिंग करनी है तो आप यहाँ गेस्ट हाउस का जो है नंबर से आप बुकिंग कर सकते हैं। और इस मंदिर के बगल में ही बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, तो आप यहां आइए आसानी से, और बहुत दूर से हैं तो आप रुक सकते हैं, और नज़दीक से हैं तो आप आकर के रिटर्न आसानी से हो सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में ये भगवान बुद्ध का जो मंदिर है वहां से आपको दिखाएंगे, और ये भी इस वीडियो में आपको सिर्फ गोरखपुर से ये कुशीनगर तक हम कैसे आ रहे हैं हम इसको दिखाए हैं। इसके बाद आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी अगले वीडियो में। बुद्ध टेम्पल के बगल के शानदार होटलों का नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबरों को देख लीजिए, और आपसे हम फिर अगले वीडियो में बुद्ध टेम्पल मंदिर लेकर के आ रहे हैं, और उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।